पहले हमें लिथियम मिला जेएनके में जम्मू में, और अब कल परसों फखर भाई लिथियम मिला है राजस्थान में, मिल गया, ये कंफर्म हो गया दो दिन पहले। और ये जो लिथियम है इसका, ये लिथियम राजस्थान में इतना बड़ा जो रिपोर्ट है भैया, ये 80% इंडिया का काम केवल जखीरे से चलेगा। सो विल बी लिथियम सरप्लस। अगर मैंने कहा था नोटू पकड़े, अरब से पंगा बहुत बुरा है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। गरगाश साहब जो तब फॉरेन मिनिस्टर थे यूएई के, उन्होंने क्या कहा, आपके साथ ताल्लुकात तो जबरदस्ती के हैं, इनेविटेबल हैं, लेकिन फिर साथ में उन्होंने इशारतन ये भी कह दिया, बच्चों अब देखना हम तुम्हारे साथ करेंगे क्या। और फिर उस दिन के बाद वो वाली की उन्होंने, कौन सी वाली, फैमिली प्रोग्राम है, कह नहीं सकता। ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक और बम फोड़ दिया, उन्होंने कहा है कि हालात का तकाजा हुआ तो इमरजेंसी लग सकती है। सर बड़ी को छोड़ू, पहले सबसे ज्यादा रिजर्वर शाइल में थे, नंबर दो पे हम आते थे, इस जखीरे के बाद वी माइट हैव क्रॉस चिले, वी माइट बी नंबर वन इन लिथियम। इस वक्त मौजूदा तौर पर आपके पास क्या रेट मौजूद है ओपन मार्केट का और इंटर, देखो इंटर बैंक आप 299 कह रहे हैं, किसी वक्त भी 300 क्रॉस कर सकते हैं, और प्री मार्केट जो है वो भी 302 और 305 के दरम ट्रेड हो रही है, लेकिन कोई ट्रेड हो नहीं रहा, ना लोग कोई बेचने आ रहे हैं ना खरीदने आ रहे हैं। बस नई बात, बहुत ही नई बात कितनी है ख्वाजा साहब, मतलब ये कोई नई चीज है हमारे लिए, एक के बाद एक माशाल्लाह इमरजेंसी, ये तो सर अब हमारे आगे पानी भरती है ये चीजें, इसकी वजह ये है कि इसके तो आदी हो चुके हैं हम। लोग कहते थे नहीं पाची दोस्ती शूशा टूटा फूफा ठुस। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता होगा अभी हाल ही जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला था, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा भूचाल आ गया था, लेकिन अब एक बार उनको और तगड़ा सदमा लग गया, क्योंकि अभी हाल ही राजस्थान में एक और बड़ा जखीरा मिला, जिसके बाद अब इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिथियम का स्टोरेज वाला देश बन गया। अब भारत को लिथियम के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो राजस्थान में लिथियम मिला है उससे 80% भारत की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। वहीं पाकिस्तान में इस समय डॉलर 300 पार हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान में काफी ज्यादा भूचाल आ गया। तो चलिए दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी जी, चाइना को अफगानिस्तान में चाहिए लिथियम, आपने देखा पहले हमें लिथियम मिला जेएनके में जम्मू में, और अब कल परसों फखर भाई लिथियम मिला है राजस्थान में, मिल गया, ये कंफर्म हो गया दो दिन पहले। और ये जो लिथियम है इसका जखीरा जो जम्मू में मिला उससे बड़ा, कहते कि ये लिथियम राजस्थान में इतना बड़ा जो रिपोर्ट है भैया, ये 80% इंडिया का काम केवल उस जखीरे से चलेगा। सो विल बी लिथियम सरप्लस। अगर मैं भी लिथियम को जोड़ू, पहले सबसे ज्यादा रिजर्वर शाइल में थे, नंबर दो पे हम आते थे, इस जखीरे के बाद वी माइट हैव क्रॉस चिले, वी माइट बी नंबर वन इन लिथियम। अभी 18 जगह पे मैंने आपको बोला था एक्सक्लूशन चल रही है, अभी एक दो जगह तीन जगह और मिलेगा, दो जगह तो मिल गया जी जी। 18,000 टन यूरेनियम मिला है सीकर में राजस्थान में, ठीक है जी। अब ये जो लिथियम की रेस लगी है, अफगानिस्तान में लिथियम है, बिल्कुल ढूंढना है, माइन करना, तो चाइना इसीलिए अफगानियों को बड़ा प्यार दुलार $10 अरब ऑफर कर रहा है। हाँ, उन्हें लिथियम चाहिए, उन्हें पता है कि अगर इंडिया एक बार आगे निकल गया, अगर टेस्ला का प्लांट चाइना से बंद होकर कभी इंडिया में खुल गया, पैनासोनिक की रिफाइनिंग इंडिया में आएगी, क्योंकि इस धंधे में सबसे बड़ा है पैनासोनिक रिफाइनिंग, हमारे पास भी है वैसे रिफाइनिंग, पर पैनासोनिक से बड़ा कुछ नहीं जी जी। लिथियम जहां ईवी की फैक्ट्री वहां, पैनासोनिक वहां, आने वाला जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो वहां, और इंडिया ईवी पे नहीं बल्कि हाइड्रोजन पे भी काम कर रहा है। आप दो चीजों पर काम कर रहे हैं, वर्किंग ऑन लिथियम आयन बैटरीज, आर आल्सो वर्किंग ऑन हाइड्रोजन, वी आर द मार्केट लीडर्स इन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो यूएस जाते हैं वो भी इंडिया से जाते हैं, चाइना को ये पता है। सो चाइना डज नॉट वांट टू गेट, बलराम पीछे नहीं रहना चाहता रेस में, इसीलिए आज वो सामने से आके बिलावल भुट्टू जरदारी साहब के थ्रू अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। आइडिया है लिथियम, बिल्कुल उन्हें लिथियम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सही, अच्छा सुमित जी, बिल्कुल ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस रीजन के अंदर हो रही है, क्योंकि जी डोवल साहब, जयशंकर साहब भी बड़े एक्टिव रहते हैं, हम देखते रहते हैं उनको मुख्तलिफ टाइम पे, फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हो गए सरगेई लारोव जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है, और एंथनी ब्लिंकन अमेरिकन, और फिर सऊदी अरेबिया, सब अपनी अपनी लाजमी सी बात है, हर किसी को अपने कंट्रीज के वो स्टेक्स को करना है। अच्छा, इसी दौरान मैं भी खबर पढ़ रहा था कि
इंडियन कश्मीर के हवाले से, एक तो G20 हो रहा है तो इसलिए भी वैसे ही आजकल बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि टॉप न्यूज़ में आ रहा होता है कि जी मई के एंड में G20 हो रहा है। लेकिन मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, आप लोगों के डेली ब्यूरो ने ये स्टोरी पब्लिश की है कि वहां पे जो इंसर्जेंसी का जो फ्लश पॉइंट है वो ज्यादा ऊपर जा रहा है, जिस पे कहते हैं कि जयशंकर साहब शायद इसीलिए भी बड़े एग्रेसिव मूड में हमें एससीओ के दौरान नजर आए। वाकई ऐसा है या ठीक है ये फॉर द टाइम बीइंग है, फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें, कंट्रोल में आ जाएंगी? देखिए फखर भाई, दो चीजें हैं। अगर आपको याद हो आपके शो पे, आपके बाकी पाकिस्तान की चैनलों पर नेशनल टीवी पे मैं प्रेडिक्ट कर चुका था, जिस दिन लिथियम मिला जम्मू रीजन में, जी जी, ये राजौरी के आसपास मिला था, मैंने कहा था जम्मू में प्रॉब्लमें बढ़ने वाली, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। प्रेशर हैज मूव्ड फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू। अगर आप देखें टेक्निकल इंसिडेंट्स को ट्रैक करें, राजौरी वाली और फिर जो पैरासफ वाली हुई, FATT, फिर जांबाज फोर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस POK में होना, ये सारी एक्टिविटी कंडी फॉरेस्ट, ये जो राजौरी वाला एरिया है, जम्मू एरिया में हुई, और ये वही रीजन है सर जहां लिथियम मिला है। लिथियम का माइन अभी ऑक्शन होगा, लिथियम की वैल्यू जो जम्मू में है, जो मैंने आइडिया लगा, गवर्नमेंट ने नंबर नहीं दिया, जो जी, मैंने मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाई थी ऑन द अवेलेबल मार्केट प्राइसेस, $420 बिलियन। तो मेरे को तभी लगा था कि इस एरिया में अब आपको इंसर्जेंसी टेररिज्म की घटनाएं बढ़ेंगी। आप देखिए कश्मीर में टूरिज्म का जहां ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ पे उतना ही घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। नाउ द न्यू एपिसेंटर विल बी अराउंड दिस एरिया, दिस आई हैड प्रेडिक्टेड लॉन्ग बैक, बिकॉज़ आप ये ना समझे कि जो वेस्ट में भी काफी सारे लोग हैं जो हमें लिथियम पे हार्ड सर, मैं इसी पॉइंट में बिलीव ही मैं आ रहा था, आपने खुद ही बता दिया। मैं लेफ्ट में मैं कह रहा हूँ आपको, ये बहुत सारे लोग है। अब आप देखिए अभी जो मणिपुर में हो रहा है, आप इसको बिल्कुल में देख रहे हैं, नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल वाली वो नहीं है सर। नॉर्मली झगड़े झगड़े सब जगहों पे होते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नॉर्मल झगड़े होते हैं सर जी। छोटे से जजमेंट पे 60 लोग मर जाते हैं, ये नॉर्मल नहीं। और आप देखिए विक्टोरिया न्यूलैंड, जब ये जियोपॉलिटिकल गेम्स होते रहे, लिथियम इज द वाइट गोल्ड, आपके यहाँ यूरेनियम मिला है, आपके यहाँ लिथियम मिला है, बिल्कुल, हमारे यहाँ कहीं तेल भी मिला है, व्हिच आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट कंफर्म यू राइट नाउ, तेल मिला है जी जी। हमारे यहाँ उड़ीसा में बहुत बड़ी दो गोल्ड माइंस मिली, इतना बड़ा गोल्ड है कि इंडिया का, ये मेरा आइडिया है, एस्टिमेट है, ये कंफर्म नहीं है, 80% हमें गोल्ड इंपोर्ट ना करने पड़े, गोल्ड इज नंबर 2 ऑन आवर इंपोर्ट लिस्ट। हमने इंडियन ओशन में कुछ 1,000 square miles लिए फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। अब जो हम पूरा निकल रहे हैं, हमारे अभी आंध्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स मिले, हमारे बिहार में 15 रेयर अर्थ मिनरल्स मिले, मेटल्स मिले हैं, तो काफी चीजें मिल रही है जो इंडिया की ग्रोथ को प्रोपेल करेंगी। अब इंडिया की ग्रोथ प्रोपेल होगी तो आप ये ना समझे कि यहाँ सब चीजें नॉर्मल चलेगी, बहुत शक्तियां घूम रही है, बहुत चीजें घूम रही है, और विच विल ट्राई टू स्टॉप यू, विच विल ट्राई टू उस चीज करने की ना। अब मतलब अपने मसाइल इतने हैं जी, इमरान खान अरेस्ट हो गए, अफगानिस्तान बॉर्डर पे मसाइल हैं, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ऐसे मौकों पे और फाइनेंशियल क्राइसिस है जिससे हम गुजर रहे हैं, शायद 75 ईयर्स में हम नहीं गुजरे थे। तो फिर ख्वाजा आसिफ उन्होंने एक और बम फोड़ दिया, उन्होंने कहा है कि हालात का तकाजा हुआ तो एमरजेंसी लग सकती है। सर बड़ी नई बात, बहुत ही नई बात कितनी है दूसरी ख्वाजा साहब, मतलब ये कोई नई चीज़ है हमारे लिए, एक के बाद एक माशाल्लाह एमरजेंसी, ये तो सर अब हमारे आगे पानी भरती हैं ये चीज़ें। इसकी वजह ये है कि इसके तो आदी हो चुके हैं हम, आप किसको डरा रहे हैं। लेकिन बात है अलार्मिंग, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इल्म है जो कि बैकग्राउंड में भी चल रही हैं, जिनका शायद हमें पता ना हो, और उनको ये नज़र आ रहा हो कि